एगो बहुत विशेष काम से लाइव आयल बनी बेरा, बहुत दिन बाद आइलो बनी। एक्चुअली एगो फिल्म हमारे सिनेमा रिलीज होता काल रुआ सबके, और बहुत बड़ा खुशी के बात बा कि कम से कम 35 से 36 मल्टीप्लेक्स में पहली बार कोनो सिनेमा लागल बा, और कई जगह रुआ पटना में भी मल्टीप्लेक्स में लागत था सिनेपोलिस, और हाजीपुर में शायद मुजफ्फरपुर और गया, कई जगह ऐसा बा, और बॉम्बे शहर में भी कई जगह सिनेमा घर में लागल बा जौन की मल्टीप्लेक्स सिनेप्लेक्स में लागल बा। तो प्लीज़ रउआ सब पहली बार एगो अच्छा सिनेमा खातिर हम कभी भी लाइव आई ले, तो जौन हमरा दिल के छुएला सिनेमा ओकरे खातिर लाइव आई ले, ना तो ऐसे हम ना आई या कोनो विशेष ऐसा मनोबात होला। तो एगो बहुत अच्छा सिनेमा बनल बा संघर्ष जाना के नाम बा, पराग पाटिल जी ओकर डायरेक्टर बनी, और रत्नाकर जी वर्ल्ड वाइड के मालिक के जौन कंपनी बा ओकर मालिक है वहाँ के, वहाँ के ये सिनेमा के प्रोड्यूस के लिए बनी। तो बहुत अच्छा सिनेमा बा, चंदू कुमार जी, विकास रंजन, लभी भाई, राजकुमार शाह, आकाश कुमार, सोनू राय, सबको प्रणाम भाई। अगर किसी का नाम नहीं लो तो प्लीज़ आप माइंड मत करिएगा। सुजीत सिंह जी, लभी सुजीत भैया, तो क्योंकि मैं कुछ अलग काम के लिए आया हूँ लाइव, तो आप सबकी मोहब्बत हूँ मैं, और मैं इसीलिए आया हूँ कि आप लोग अच्छे सिनेमा को जो जो एक जब भी हम जाते हैं एमडी राजू जी लभी भैया, तो रउआ लोग के एगो शिकायत रहेला कि सिनेमा में बलगरटी बहुत ज़्यादा होला। मेहदी के बाद हम ऐसा कौनो सिनेमा नहीं की कैले, पहले हम कैले बनी और गिल्टी फील हमके भी होला, वो चीज़ को मैं आप सबका गुनहगार हूँ, उसके लिए माफ़ी हमेशा मांगता रहूँगा आप सबसे कि मैंने पहले जो किया है। तो कहीं ना कहीं तुलसीदास भी गलत किए थे, और आज उन्होंने रामायण का रचना कर दिया, आज नहीं रामायण का जब रचना किया तो दुनिया में एक नाम हुई। उंगली माल डाकू जब वाल्मीकि बन सकते हैं, तो आप लोग किसी को इतनी प्यार देते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि अच्छा, अगर हम आज अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा जी अच्छे सिनेमा, चाहे अगर मेरा भी गंदा कोई गाना या सिनेमा हो तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, और मुझे मैं मंजीत कुमार जी, लभी मंजीत भैया, मनोज सिद्धि जी, तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट जरूर करिए, और उसको अगर इस सिनेमा में भी अगर मैंने कोई गलती की होगी तो आप जरूर, क्योंकि मेरे जाने में मैंने एक फैमिली और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चल रहा है, मैं क्योंकि मेरी बेटी मेरे जीवन में आई उसके बाद ही मैं आज यहाँ तक पहुँचा। किशन पंडित जी गोड़ लगा तनी बाबा, अब्दुल अंसारी जी सलाम अलैकुम भाई, इरादे रोज़ बनते हैं बनकर टूट जाते हैं, अजमेर वही जाते हैं जिसे ख्वाजा बुलाते हैं। आप लोगों ने इतनी सारी मोहब्बत दी अपने भाई को, अजय मंडल जी, लभी भैया, विक्की कुमार, लभी सब कुछ, सोनू यादव जी, थैंक यू लभी भाई। तो मैं आप सबसे यही बोलना चाहता हूँ कि एक अच्छा सिनेमा का हिस्सा बना हूँ जिसका नाम है संघर्ष, और सिनेपोलिस में कई जगह लगी, पहली बार कोई भोजपुरी सिनेमा लग रहा है आपको इतने सारे मल्टीप्लेक्स। तो आप तो मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा सिनेमा का हिस्सा बना हूँ मैं। मेहदी के बाद मैंने हर उस सिनेमा के रुख अलग कर दिया है, एक परिवारी के फैमिली, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मिट्टी को कभी गंदा ना करूं, कोशिश हमारी यही है। और जो भी करता है आज, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई भी स्टार हो या कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो, तो मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग अच्छा सिनेमा देखना शुरू करेंगे, अच्छा सिनेमा की परख आपको जब हो जाएगी, आप कोशिश करेंगे कि अच्छा सिनेमा बने, तो एक अच्छा सिनेमा आपको भारी मात्रा में देखनी पड़ेगी, उसकी सराहना करना पड़ेगा आपको। तो जब आप अच्छा सिनेमा देखना शुरू करेंगे तो हर आदमी अच्छा सिनेमा ही बनाएगा, और हर आदमी का रुख अच्छे चीज़ों के लिए, अच्छे गानों के लिए, अच्छे सिनेमा के लिए होगा, हर आदमी चयन करेगा। तो मेरी कोशिश मेहदी के बाद हुई है कि मैं हर वो सिनेमा कहीं ना कहीं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे सिनेमा का हिस्सा बनूँ जिसमें हमारी अपनी माँ, अपनी बहन, अपने घर परिवार के लोग जाकर उसको इंजॉय करें, और किसी को भी तो सीख मिले।
अगर एक भी बेटी उस सिनेमा को देखकर अपने बाप के सपने को पूरा करती तो शायद उस सिनेमा मेरा बनाना सार्थक हो जाएगा। अगर एक भी बाप बेटी पैदा होने पे अगर बचा लेता है उस सिनेमा को देख के तो शायद मेरा वो सिनेमा बनाना सार्थक हो जाएगा कि मैंने एक अच्छा सिनेमा का मैं हिस्सा बना। तो मैं माता बहन बेटी अपने बहनों से खास करके ये राखी का त्यौहार का उपहार है अपने बहनों के लिए कि प्लीज़ बहन, और मैं एक पिता हूँ, मेरे भी पिता हैं। जब मैं इस सिनेमा में पिता बनाना जब जिम्मेदारी मुझे मिली तो मुझे समझ में आया कि पिता का दर्द क्या होता है। तो अगर एक भी बाप इस सिनेमा को देखने के बाद, और मेरा खुद का बाप, उनको तो ज़रूर ये होगी कि हाँ मेरा बेटा ने एक अच्छा सिनेमा किया है। मेरे पापा ने मेहंदी लगा कर रखना का सिलेक्ट किया था। मेरे पापा ने बोला बेटा पैसा मिले या ना मिले ये सिनेमा ज़रूर करना, और मैंने वही किया, मैं उस सिनेमा किया। और उस सिनेमा के हमारे प्रोड्यूसर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, ये हैं अनंजय रघुराज जी। नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले तो आप लोगों को दिल से गुजारिश आप लोगों को कि एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है संघर्ष, और समझिए कि जैसे मेहंदी लगा के रखना बनी थी बस उसी पैटर्न पे इस फिल्म को भी खेसारी जी ने, काजल जी ने, रत्नाकर जी प्रोड्यूसर, और पराग पाटिल जी जो डायरेक्टर हैं, अवधेश मिश्रा जी, पूरी टीम वही है मेहंदी लगा के रखने वाली, और बड़ी सार्थक और अच्छी सिनेमा लोग बनाई है। तो पर्सनल तौर पे मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस सार्थक सिनेमा को जितना हो सके, जिस स्तर पे हो सके, आप लोग प्रसारित करिए, इसको प्रचार प्रसार करिए इस फिल्म का। और एक जिम्मेदारी निभाइए कि भोजपुरी में जब अच्छी सिनेमा आती है तो उसको थोड़ा सा आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो हम लोग का हौसला अफजाई होगा, क्या बोलते हैं? क्योंकि हमेशा से हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग अच्छी सिनेमा बनाएं, लेकिन बीच में कुछ ऐसे सिनेमा आती है जिसको आप लोग लाइक नहीं करते, तो आप लोग बिल्कुल रिएक्ट करिए उस चीज़ को लेके। लेकिन जब अच्छी सिनेमा आती है ना तो उसको भी आप लोग अपने आदर सत्कार दीजिए, उसको प्यार दीजिए आप लोग। और मल्टीप्लेक्स में लग रही है पहली बार भोजपुरी कोई सिनेमा? हाँ, बिल्कुल, लग रही बिल्कुल। और इतने बड़े लेवल पे मल्टीप्लेक्स में, देखिए हम लोग हमेशा से, मेरी भी शिकायत रही है एज ए निर्माता कि हम लोग फिल्म अच्छी फिल्म बनाते हैं लेकिन मल्टीप्लेक्स में मल्टीप्लेक्स वाले नहीं लगाते हैं। लेकिन इस फिल्म के निर्माता खेसारी जी, सारे लोगों ने कोशिश करके इस फिल्म को 30-35 मल्टीप्लेक्सेज में लगाए हैं। बॉम्बे में भी कार्निवाल, सिनेपोलिस, अपना मूवी स्टार गोरेगांव, फिर आपको बिहार में भी कई मल्टीप्लेक्सेज मिले हैं। तो आप लोग कृपया जाइए, और मैं उन दर्शकों से बोलूंगा जो हमेशा हम लोगों को शिकायत करते हैं, क्या जो बल्गरिटी के बल्गरिटी है, प्लस क्या बोलते हैं कि सबसे बड़ी, मैं एक और बताना चाहता हूँ, हमारे पत्रकार महोदय, जो मीडिया महोदय हैं, प्लीज आप सब जाइए उस सिनेमा को जरूर देखिए। अगर आप देख कर लिखेंगे ना, तो मैं भी चाहता हूं कि अगर एक भी पत्रकार महोदय अगर इस सिनेमा को देख कर अगर लिखेंगे कि हाँ भोजपुरी में ये सिनेमा बनी है, अगर उनको लगता है कि कहीं से माइनस है तो वो भी लिखें वो, ताकि हम उसको सुधारने का काम करेंगे, आगे की फिल्मों में हम लोग सुधारें। भोजपुरी में जो दाग लगी हुई है, क्योंकि देखिए हमारा भाषा सफेद चादर की तरह है, उसमें एक छोटा भाई छिट्टा पड़ता है ना तो वो दिखता है, क्योंकि हम बड़ा इमोशनल हमारा एरिया है, कल्चर, हमारी कल्चर संस्कृति। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि आज ये मेहंदी लगा के रखना के प्रोड्यूसर हैं, इन्होंने बहुत सारे सिनेमा किया, लेकिन ये बोलते हैं कि मैंने मेहंदी किया, मैंने पटना से पाकिस्तान किया। तो पटना से पाकिस्तान और मेहंदी, इनकी अलग विधा की दोनों सिनेमा। और एक और चीज है, मैं आप लोगों को बता दूं, लाइव है खेसारी जी और हम लोग साथ में बातें कर रहे हैं, इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। बस आप लोग संघर्ष को इतना प्यार दीजिए कि हम लोग का मनोबल बढ़े। और एक और फिल्म बहुत खूबसूरत लेके आ रहे हैं जिसकी अभी शूटिंग चल रही है, राजा हिंदुस्तानी, वो भी कमाल की फिल्म है। मंजुल ठाकुर जी डायरेक्टर हैं, राहुल खान जी जिन्होंने निरुआ हिंदुस्तानी, निरुआ रिक्शा वाला 2 और निरुआ रिक्शा हिंदुस्तानी 2 ये सब फिल्में बनाई, वही प्रोड्यूसर हैं। हम आगे कर रहे हैं वंदे मातरम, जो पूरी तरीके से अलग स्टोरी है। तो हम लोग कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं कि अच्छी सिनेमा बनाया जाए। बिल्कुल, लेकिन आप सबका जब सपोर्ट होगा तभी हम सफल हो पाएंगे। बिल्कुल, नहीं तो होता क्या है, मैं अब आपको बताता हूँ, दुनिया अपने सिनेमा में बल्गरिटी डाल देती है या कुछ ऐसे सीन डाल देते हैं और कुछ ऐसे गाने डाल देते हैं, और उसको देखने के लिए दुनिया टूट पड़ती है, तो लोगों को लगता है कि नहीं हम अच्छा चीज़ देंगे तो ये नहीं देख पाएंगे, इसलिए दुनिया।
तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे सिनेमा का हिस्सा बनेंगे और आप लोग अच्छा सिनेमा ज्यादा से ज्यादा देखेंगे तो शायद हम, तो अगर आप अच्छे सिनेमा का हिस्सा बनेंगे तो शायद हम चीजों हर आदमी अच्छा कर पाएगा। तो प्लीज मैं गुजारिश है, पर्सनली गुजारिश है कि संघर्ष को आप लोग इतना प्यार दीजिए और इतने अच्छे से देखिए कि हम लोग का मनोबल बढ़े और एक से एक अच्छी सिनेमा लेके आए, अच्छी फिल्में लेके आए। अभी फिलहाल आप लोग अपने सुपरस्टार खेसारी लाल जी से बात करिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, धन्यवाद सिनेमा के हिस्सा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और इनको बधाई कि अच्छे सिनेमा का हिस्सा बने हैं। संघर्ष बहुत अच्छी फिल्म बनी है, तो आप लोग प्लीज उसको देखिए। आपको अपने औलाद से मोहब्बत हो जाएगी, आपको अपने पिता से मोहब्बत हो जाएगी, जिस टाइप की सिनेमा हमारी बनी है। मुरली भैया, राइडर भाई, थैंक यू, बुलेट राइडर और सागर राजी, लवी भाई, मैं रितेश लवी भाई, तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे सिनेमा का हिस्सा बनेंगे तो शायद हम हमेशा अच्छा सिनेमा ही करने के काम करेंगे। कभी कभी हमारी एक मजबूरी हो जाती है, आप सबसे बताता हूँ मैं, कि हम किसी नए लोगों का काम करते हैं जब, तो उनको कहना है कि नहीं हम ये बनाएंगे तभी हमारा रिकवरी चीज़ें होगी। तो आप लोग मजबूर कर दीजिए कि हम देखेंगे तो अच्छा सिनेमा देखेंगे। गलत सिनेमा और गलत गाने अगर आप सिनेमा में डालेंगे या गलत गानों को सपोर्ट करेंगे तो हर आदमी गलत करेगा। तो मैं बस तहे दिल से सोचता हूँ कि ये अगर मैंने कोशिश की है तो आप सबकी भी कोशिश रहनी चाहिए भोजपुरी के मान सम्मान बचाने के लिए। ये मैं अगर अच्छा करना चाहता हूँ, आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं कैसे कर पाऊँगा? और कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं बना पाएगा अच्छा सिनेमा जब आप अच्छा सिनेमा देखना बंद कर देंगे। और मैंने कोशिश की, रत्नाकर जी ने, हर आदमी ने, पराग पाटिल से लेकर अवधेश मिश्रा से लेकर काजल रखवानी, मैंने सारे लोगों ने कोशिश की कि सिनेपोलिस में, और हमारे डायरेक्टर, अरे हमारे प्रोड्यूसर रत्नाकर जी का बहुत बड़ा योगदान है, और निरहुआ इंटरटेनमेंट से ये सिनेमा रिलीज हो रही है पटना में, तो निरहुआ इंटरटेनमेंट को ढेर सारा शुभकामना। दिनेश भैया के एक डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ खुला है जिस, जो कि काबिलियत तारीफ है, उन्होंने बॉर्डर से लेकर हर सिनेमा अच्छा चलाया। तो मैं हरकेश जी को दिल से बधाई देता हूँ बिहार के लिए कि ढेर सारा शुभकामना। बाकी कहाँ कहाँ का कौन डिस्ट्रीब्यूटर है तो मुझे पता नहीं, तो मैं ज़रूर नाम लेता भाई, आप लोग प्लीज माइंड मत करिएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि बाकी शहरों में कौन डिस्ट्रीब्यूटर है उसका। और मुंबई गुजरात में हमारे शरद भैया हैं जो कि रिलीज कर रहे हैं। तो प्लीज मैं चाहता हूँ आप सबसे कि चाहे वो खेसारी की सिनेमा क्यों ना हो, अगर गलत किया है तो मत देखिए, नहीं देखेंगे तो खेसारी को सीख मिलेगी। गलत अगर उसमें गाने हैं तो नकार दीजिए, गलत सीन है नकार दीजिए, वही देखना है आपको। आप जब नहीं देखेंगे तो ही हर उस स्टार को और हर उस डायरेक्टर प्रोड्यूसर को सीख मिलेगी, तब हर आदमी अच्छा सिनेमा बनाने का काम करेगा। तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँ, क्योंकि अपनी संस्कृति को बचाने का सिर्फ मेरा ही एक काम नहीं है, आप सबका भी दायित्व है इसी संस्कृति को बचाने का, अपने मिट्टी को बचाने का। तो जब हम कोशिश कर रहे हैं अच्छा करने के लिए, तो मैं चाहता हूं कि आपकी एक कोशिश, इतने सारे करोड़ों लोगों की एक छोटी सी कोशिश अगर अच्छे सिनेमा की तरफ मुख मोड़ दिया ना, तो शायद मुझे लगता है कि इस दुनिया में कोई आदमी गलत नहीं करेगा। तो मैं प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप प्लीज संघर्ष को इतना देखिए, इतना देखिए कि हर आदमी संघर्ष की तरह ही एक संघर्षपूर्ण सिनेमा बनाए जो कि हर आदमी के संघर्ष से जुड़ा हो। तो प्लीज़ गोविंद यादव जी, लवी भाई, बुलेट राइडर हमारे लवी, विजय कुमार आए, थैंक यू भाई, सबको थैंक यू दिल से। अगर मैं किसी का नाम नहीं ले रहा तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, इतने सारे लोग हैं, मुन्ना कुमार यादव, लवी भाई। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अच्छे सिनेमा का हिस्सा जब आप खुद बनेंगे तो दुनिया अच्छा सिनेमा बनाएगी। तो प्लीज़ भाई प्रिंस शाहबाज जी, मिथिलेश यादव जी, बुलेट राइडर, थैंक यू बुलेट भाई, रंजीत सिंह राजपूत, थैंक यू। तो लव यू सबको दिल से, थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि आप सब अच्छा सिनेमा बनाइए और अच्छा सिनेमा देखने का काम करिए कि ताकि हमें खुद से शर्मिंदा ना होना पड़े और आपको खुद से भोजपुरी से शर्मिंदा ना होना पड़े, और कहीं जाए तो कहिए कि हाँ हमारे भोजपुरी में भी ऐसा सिनेमा बनता है।
तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप ढेर सारा प्यार आप सबको, और मल्टीप्लेक्स में लग रही है सिनेमा तो प्लीज़ आप प्यार देंगे तभी लगेगी। और दिल से थैंक यू आप सबको कि आप खेसारी को इतना प्यार देते हैं, आप सब भगवान स्वरूप देवता स्वरूप जो भी लोग हैं। तो प्लीज, और टेलर 72-73 लाख हो गया है अभी तक का रिकॉर्ड है कि 20 दिन में 72-73 लाख उसका टेलर देखा गया है। तो पीके यादव जी लव यू भाई, तो थैंक यू सबको। ये कल 24 तारीख को रिलीज हो रही है भाई जी, बिहार झारखंड नेपाल बे गुजरात। तो एक अच्छी, वही तो मेरी कोशिश है। नहीं, मैं सुपरस्टार नंबर 1 नहीं हूँ, आप सबका भाई हूँ, तो आप सबका चहेता हूँ, और आप इतना प्यार देते हैं उसके लिए दिल से थैंक यू कि आप मुझे इतना प्यार देते हैं। बस बाय, आप ढेर सारा ऐसे ही प्यार देते रहिए मेरे संघर्ष। चलिए नमस्कार, और मेरे तरफ से सबको ढेर सारा प्यार, लव यू ऑल, कि संघर्ष को ढेर सारा प्यार दीजिए और इसको प्यार करिए, और एक अच्छे सिनेमा का आप भी हिस्सा बनिए। और थैंक यू, लव यू, गुड नाइट ऑल, जितने भी हैं सबको पैर छू के प्रणाम, अपने दोस्तों को, अपने भाई, अपने माता बहन बेटी, अपने बहनों को राखी की ढेर सारी शुभकामना कि आप ऐसे ही इस कलाई को सुना मत होने दीजिएगा, और ढेर सारा प्यार के साथ आप सबका भाई, आप सबका बेटा, गुड नाइट ऑल। और जय संघर्ष, ये जीवन संघर्ष है तो हमेशा संघर्ष करना है, और आप सबके दिल में रहने की कोशिश करता हूँ कि हमेशा रहूँ संघर्ष करते समय। तो बाय, गुड नाइट सबको, ढेर सारा प्यार। कल रिलीज हो रही है मेरी सिनेमा जिसका नाम है संघर्ष, और आपको समझ में आएगा कि संघर्ष का मतलब क्या होता है। तो प्लीज़ हॉल तक जाइए और ढेर सारा प्यार दीजिए। बाय।